हम जो हैं अपनी बात कर रहे थे क्या? हम तो जनता के सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति अगर बाहर रहेंगे तो आगे अंदाज़ा नहीं कि और कितने लोगों को गोली मारेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा है, लोगों के जान माल पे खतरा है। अगर ऐसे लोग जो हैं बाहर रहें तो हम लोगों को चिंता करनी चाहिए और विपक्ष की यही जिम्मेदारी है। कोरोना कब तक होगा? आज 2 साल होगा तो हम लोग घरों में बैठा रहेगा? लोग इंतज़ार करें कि लोग मरे, लोगों का रेप हो, लोगों का अपहरण हो और विपक्ष हाथ में हाथ धरे कर बैठे और वो भी ऐसे प्रशासन पे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। कुछ दिन हुआ अभी पहले जो बालिका गृह मुजफ्फरपुर में, या पुलिस को धारा लगाना चाहिए था पॉक्सो का तो लगा दिया, चोरी का, मारपीट का, छिटपुट घटना का। ये मैंने नहीं कहा, ये तो आम मानवीय सरकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये तो सत्ता के संरक्षण में होगा। हम लोगों का जो था निर्णय था, हम लोग तो नहीं चाहते थे कि इस तरह की बात जो है सामने आए, लेकिन अब सरकार जो है अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। सर, गया के मामले तो हम लोगों ने तो मौका दिया था, लगातार मौका दिया, लेकिन आपको क्या लगता है डीजीपी अब तक एक शब्द क्यों नहीं बोले? भैया, डीजीपी इज द हेड ऑफ द पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था को देखना डीजीपी का फर्ज है। कहाँ गायब है? हमको आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि डीजीपी जो है शिक्षा मंत्री का काम कर रहे हैं, जो टॉपर के लोग हैं उनको बधाई दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो उनको जो जिम्मेदारी जो मिली वो तो करना चाहिए था। SIT का गठन किए, लिपा पोती अपना चल रहा है। विधायक जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, पता नहीं कहाँ है। और ADG का बयान आता है कि भाई साक्ष्य होगा तब हम कार्रवाई करेंगे। अब हम बताते हैं कौन सा साक्ष्य है। जिस परिवार का जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी, जिसने 3 सदस्य अपने परिवार के खो दिए, वो चश्मदीद है, आई विटनेस है, और कौन सा चाहिए भैया? और इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? जिस परिवार का 3 लोग मरा, जिसको खुद गोली लगा, जिसने सारी चीज़ों को बयां किया, अब उससे बड़ा कोई साक्ष्य होता है क्या? सरकार को नहीं पता? और इस सरकार से जो न्याय करती ही नहीं है, जो अन्यायी सरकार है, उससे न्याय की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, लोग कहते हैं कि कोरोना जो है, आप कोरोना का जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। तो गोपालगंज में जो 1000 बाइक निकला तो वो उल्लंघन नहीं था क्या? वो जुलूस जो निकाला गया, जो वीडियो हमने रिलीज किया, वो उल्लंघन है कि नहीं है? किसके द्वारा किया गया? और एक और वीडियो में जहां गोली की बात की जा रही है, जहां धमकी की बात की जा रही है, पुलिस को धमका रहे हैं, जहां अपराधी पुलिस को धमका रहे हैं, तो मतलब हम लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं विपक्ष के नाते? लॉकडाउन के समय तो हम लोगों ने सारे नियम को माना, चाहे विधानसभा बजट सेशन में सहयोग किया बंद करने में, मेरा प्रशिक्षण शिविर था उसको कैंसिल किया, मेरा बेरोजगारी यात्रा था उसको स्थगित किया। हम दिल्ली में लॉकडाउन के समय फंस गए, हमको तो नहीं पता था कि लॉकडाउन होने वाला है। तो कहाँ है? हालांकि हम अपने काम कर रहे थे पूरे दिन से, सरकार को वहाँ से भी घेर रहे थे। जब अनुमति, जब गाइडलाइन में तब्दीली हुई तो हम अनुमति लेकर के आए। अब आ गए तो काहे निकल रहे हैं? क्या मजाक बना दिया है? कौन सी बात सही है? मतलब हम अपनी बहनों माताओं को विधवा होते हुए देखें, बच्चों को रोते हुए देखें, अनाथ होते हुए देखें, तब जाकर के विपक्ष जागेगी कि ये निकम्मी सरकार जहाँ अपराधियों का बोलबाला है उसको हम लोगों को पूरी तरीके से उजागर करना है, इनका असली चरित्र। ये सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है। तो हमको देखिए, कोशिश हमारी ये है कि हम लोग सब लोग, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है, बिहार की जनता से पूछिए कि अगर मर्डर हो रहा है बिहार में, अगर अपहरण हो रहा है, तो विपक्ष क्या करेगी? हम आपसे पूछते क्या करना चाहिए? घर में बैठे ना तान करके,
या क्या करें। चलो दूसरी बात, सरकार के लोग ही जब उल्लंघन कर रहे हैं अपने नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है? सरकार को बस से पहुंचाना था ब्लॉक, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है बसों में? ना खाना दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, इस तरह का काम किया जा रहा है तो हमारा तो फर्ज बनता है। बीजेपी हर मामले पे बोलते हैं लेकिन अभी चुप है पूरी तरीके से। आप गोपालगंज जाइए। अब चुप क्यों है? देखिए हमें डीजीपी साहब से कोई शिकायत नहीं है, मुझे पता है वो भारी दबाव में प्रेशर में है। मुख्यमंत्री का आदेश है भाई, सत्ता में जो पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री उसका विधायक है, डीजीपी के कोई औकात है क्या? जो अपने निर्णय से जो है आदेश देते गिरफ्तारी का, तो मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। बहुत बहुत कल सभी विधायकों को हमने सूचना दे दिया है, विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य हों, सभी लोगों को हमने सूचित कर दिया है कल 9 बजे जो है वो आएंगे आवास पे और वहाँ